हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, और वो ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अब एडिट करने पर, और अगर मैं कुछ यहाँ चेंजेस करूँगा और मैं इधर ऐड वापस कर देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं वो चेंजेस इमीडिएटली यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको अपडेटेड कंटेंट यहाँ दिख जाए। ओके, पर अभी हम लोग कैसे मेक श्योर करें कि यहाँ पर हम लोग सेव करने पर हम लोग को नया डेटा लेके आके यहाँ पर स्टोर करते हैं। बेसिकली हम लोग को नया डेटा यहाँ पर रिफ्रेश करना है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऐप में, अगर मैं इधर ऐप जिस में आऊँगा, आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट लिस्ट जो है, ये सेक्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट लिस्ट कॉम्पोनेंट रेंडर कर रहा है, और यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये पोस्ट डिटेल कॉम्पोनेंट रेंडर कर रहा है। तो ये पोस्ट डिटेल में सारी एक्टिविटी हो रही है, तो पोस्ट डिटेल पोस्ट लिस्ट को कैसे बताए कि उसको रिफ्रेश करके नया कंटेंट लेके आना है। ओके, सो बेसिकली बिकॉज ये प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट लिस्ट और पोस्ट डिटेल दोनों एक तरीके से सिबलिंग के तौर पे आप यहाँ दे सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर आप देखिए, मैं को आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस बताता हूँ और फिर हम लोग उस पर एक एक करके देखेंगे कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ईजी सोल्यूशन वो ये है कि लिफ्ट स्टेट अप। बेसिकली अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा स्टेट जो आप यहाँ जैसे दो अलग अलग चीज़ से कंसर्न रखता है, तो आप उसको एक पैरेंट कंपोनेंट पे लेके रख सकते हो ताकि वो इजीली शेयर हो सके। पर यहाँ पर हम लोगों को शेयर तो उस स्टेट को नहीं करना है, पर काइंड ऑफ ऐसा है कि जैसे यहाँ पर किसी तरह का अपडेशन होता है तो हम लोगों को पोस्ट लिस्ट को बोलना है कि वो एक नया डेटा लेके आए, तो उस तरीके से इनडायरेक्टली वो शेयर हो रहा है। ओके, तो इसलिए मैं ये जो स्टेट है यहाँ पर अब जो पोस्ट लिस्ट के अंदर है, ये मैं इस पैरेंट कॉम्पोनेंट ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर रख दूंगा ताकि वो हम लोग इसको यहाँ पर पास कर लेंगे एज अ प्रॉप में। ओके, और पोस्ट डिटेल जब एडिट हो गया तो वो बोल सकता है इस पर्टिकुलर पैरेंट के कंपोनेंट को कि वो रिफ्रेश करके नया डेटा लेके आ जाए। ओके, सो यहाँ पर हम लोग इसको इस वीडियो में ये इंप्लीमेंट करेंगे और आपको एग्जैक्टली क्लियरिटी आ जाए। पॉसिबल प्रॉब्लम या देख सकते हैं वो है कि रिडक्स या किसी तरह का स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्टेट को लिफ्ट अप करने के बजाय एक ग्लोबल स्टेट में रख सकते हैं, वो एक सोल्यूशन है, पर वो अभी इसमें हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। और तीसरा है रिएक्ट क्वेरी यूज़ कर, इससे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये लाइब्रेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, और ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा, पर एटलीस्ट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप स्टेट को ऊपर आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी इस पोस्ट लिस्ट के अंदर मैं इस पोस्ट लिस्ट कॉम्पोनेंट को इधर ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये जो स्टेट है, मैं इन सारे स्टेट को कट करके इधर ऐप डॉट जेएस में आता हूँ और यहाँ पर ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इधर ये जो यूजलेस और ये दोनों कस्टम की ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट मार देता हूँ और इधर ऐप डॉट जेएस के अंदर, ये जो ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, और ये दोनों ही स्टेट जो है, अभी मैं सबसे पहले इधर यूज़ इफेक्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट इम्पोर्ट हो गया है, यहाँ पर यूज़ स्टेट को भी इम्पोर्ट कर लिया है। Okay, और यहाँ पर जो गेट फंक्शन है इसको भी यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और जो लिस्ट और लोडिंग स्टेट है ये इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एज अ प्रॉप में दे रहे थे, इस पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट को। तो यहाँ पर मैं लिस्ट इस तरीके से दे देता हूँ और लोडिंग कुछ यहाँ पर लोडिंग इस तरीके से दे देता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर अब इस पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट को यहाँ पर एज अ प्रॉप मिलेगा, लिस्ट मिलेगा यहाँ पर और डेटा मिलेगा यहाँ पर, जिससे हम लोग यहाँ रेंडर कर पाएंगे, लिस्ट और लोडिंग। ओके, ऑलराइट, और सब कुछ यहाँ पर एज इज चलना चाहिए बिकॉज हम लोग ने सिर्फ स्टेट को ऊपर लेके आए। अभी यहाँ पर पोस्ट डिटेल जब मैं एडिट होता है तो मैं हम लोगों को ये जो लिस्ट है ये रिफ्रेश करके लाना है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए हम लोग को सिंपली ये जो गेट जो मेथड है इसको रिकॉल करना होगा। अभी आप देख सकते हैं अभी जो हम लोगों ने चेंजेस किया उसे सब चलना चाहिए, तो कंटेंट में वैन ऐड करके यहाँ पर ऐड करके ऐड पर क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा। अब देख सकते हैं कि कंटेंट टू डिस्क्रिप्शन दोनों आ जाए, ग्रेट। तो यहाँ पर पोस्ट, अभी यहाँ पर पोस्ट डिटेल कंपोनेंट में अब मैं इसको ओपन करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर हम लोग ईजिली अपडेट कर सकते हैं, पर ये लिस्ट में नहीं कर सकते। मतलब कि हम लोगों को सिंपली ये जो गेट फंक्शन है, अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो हम लोग को अपडेटेड मिल जाएगा और हम लोग यहाँ अपडेट कर लेंगे, पर यहाँ नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो गेट है इसको मैं कट करके यहाँ पर मैं ऊपर लेके आके यहाँ पर मैं इसको एक फंक्शन बना देता हूँ, गेट पोस्ट डिटेल, और उसके अंदर ये जो यूज इफेक्ट के अंदर जो कोड था मैं इधर सिंपली पेस्ट कर दूंगा, जो सिर्फ API कॉल करके डेटा लेके आ रहा है और स्टेट में अपडेट कर रहा है, दैट्स इट। ओके,
तो इस यूज इफेक्ट के अंदर सबसे पहले जो अमाउंट पे कॉल होगा वो मैं यहाँ पर दे रहता हूँ इस तरीके से, ओके राइट। सो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं सब कुछ इधर एज इजी चलेगा, हम लोग को अपडेट मिल जाएगा। पर अभी हम लोग जब यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो गेट पोस्ट डिटेल फंक्शन है इसको मैं अंदर यहाँ कॉल करूँगा, दैट्स इट। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये अपडेट हो जाए मुझे अपडेटेड डेटा लेके आके यहाँ पर शो कर देना स्टेट में। तो इसमें एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं री एड करके एड पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं अपडेटेड डेटा यहाँ पर दिख गया। पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि डिस्क्रिप्शन तो अपडेट हम लोगों को मिल जाएगा ईजीली, आप देख सकते हैं वो तो मिल जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर टाइटल को चेंज करेंगे तो वो यहाँ नहीं हो रहा, उसके लिए हम लोग ने स्टेट को लिफ्ट किया। तो वैसे केस में अब यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में ये जो फंक्शन है आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ डेटा लेके आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं कट करके इसको बाहर लेके आ जाता हूँ, ओके गेट पोस्ट लिस्ट, ओके और इसमें वो लॉजिक जो था वो मैं इधर ऐड कर दूंगा, और पोस्ट लिस्ट जो फंक्शन है ये मैं सिंपली इस यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर लेता हूँ, दैट्स इट। ओके इस ये अलग करने का रीज़न ये है ताकि हम लोग ये जो फंक्शन है इसको ऑन के एडिट पे कॉल कर सके। अब इसको मैं एज अ प्रॉप दे सकता हूँ, तो एडिट जैसे ही होगा और ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे जिससे स्टेट हमें अपडेटेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल के अंदर ऑन एडिट सबमिट इस तरीके से फंक्शन दे देता हूँ जो बेसिकली यही होगा गेट पोस्ट लिस्ट, ऑलराइट। और ये ऑन एडिट सबमिट जो है इस पोस्ट डिटेल कंपोनेंट को एज अ प्रॉप में मिलेगा, कि यहाँ पर प्रॉप्स में मुझे मिल जाएगा, ऑलराइट। और ये ऑन ऑडिट सबमिट है ये मैं इस पुट के जो सबमिट कंप्लीट हो जा रहा है इसके अंदर यहाँ पर कॉल कर रहे थे, दैट्स इट। जिससे एडिट के होने पर गेस्ट मॉड्यूल क्लोज हो जाएगा, हम लोगों को इस पर्टिकुलर का डिस्क्रिप्शन अपडेटेड करके मिल जाएगा और जो लिस्ट है वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब भी आता हूँ मैं यहाँ पर में एडिट में, यहाँ पर मैं न्यू टाइटल, ओके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हुआ और यहाँ पर टाइटल भी अपडेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन दोनों ही यहाँ पर अपडेट कर लिए, ग्रेट। तो ये अप्रोच में दिक्कत ये है कि हम लोगों को ये जो स्टेट है लिस्ट का जो स्टेट है ये मुझे लिफ्ट करना पड़ा, ओके और ये सबसे ईजिएस्ट सोल्यूशन है। अगर ऐप में सिर्फ इतना ही हमें करना है तो ये करना बेटर रहेगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, पर एक रियल सिनेरियो में आपको इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो आ सकता है, ओके सो हर बार आप जब स्टेट को अपडेट ऊपर लेके आओगे या पेरेंट कंपोनेंट पे लेके आओगे वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम लोगों को कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए, ऐसा सोफिस्टिकेटेड सोल्यूशन चाहिए तो इस तरह के स्टेट मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसी तरह का थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जैसे रिडक्स हो गया, मोबैक्स, रिकॉयल, इस तरह के थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो क्या करते हैं कि स्टेट को एक ग्लोबल लेवल पे लेके आते हैं, तो जो जो कंपोनेंट को चाहिए वो उसको हम लोग पास कर सकते हैं, ओके सो ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन था और बहुत टाइम तक हम लोग ने ये सोल्यूशन यूज़ किया है। पर ये सोल्यूशन प्रॉब्लम ये होता है कि एक ग्लोबल स्टेट हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है और उसमें काफ़ी सारे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगी जो हम लोग को ये मेथड यूज़ करने से मिल रहा है, वह यूज़ रिएक्ट क्वेरी। इसका एडवांटेज ये है कि इसे यूज़ करके हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर सकते हैं, ओके जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग कैशिंग कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कैशिंग अवेलेबल है, ओके और रिफेचिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो रिएक्ट क्वेरी जैसे लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, ओके सो आप इंटरेस्टेड है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये लाइब्रेरी को आप यूज़ करें। और हम लोग हमारा जो प्रॉब्लम है आप यहाँ देख सकते हैं वो हम लोग कैसे ये लाइब्रेरी यूज़ करके सॉल्व करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ओके ऑलराइट गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।